और जैसे अभी आपने जाना कि लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए हम दूसरी दुकान पर चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो कैसे अपने शहर को स्वच्छ साफ रखते हैं। अभी अपना नाम बताइए। गौरव गुप्ता। गौरव जी नाम है। गौरव जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे नगर निगम द्वारा रेड स्पॉट अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पान तमाकू इत्यादि मसाला खाकर के सड़कों पर थूकते हैं तो उस शहर को गंदा करते हैं, तो आपके पास जब ऐसे लोग आते हैं तो आप उसको शहर के लिए कैसे आप हम साहब सिर्फ समझाइश दे सकते हैं, समझाइश देते हैं उन लोगों को कि आप यहाँ थूके ना। हमने अपने स्तर पे जो हम जो प्रयास कर सकते हैं वो किए हैं। यहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है, एक डस्टबिन वहाँ पे रखा हुआ है। अपने स्तर पे जो हम प्रयास कर सकते हैं वो कर चुके हैं हम लोग, और बाकी अपने अपने स्तर पे समझाइश दे सकते हैं क्या है कि आप भैया थूको मत, थूका के मतलब इसके अलावा। गौरव तो गौरव गुप्ता जी द्वारा बताया गया है कि उन्होंने डस्टबिन रखा हुआ है और थूकदान भी रखा हुआ है और वो लोगों को अपने स्तर तो समझाते हैं, साथ में वो ये निवेदन भी करते हैं कि स्वयं आम नागरिक भी जो जागरूकता अभियान चल रहा है उसको देखे समझे और देवास को स्वच्छ एवं साफ बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।